देखिए अब एक न्यू कॉन्सेप्ट समझते हैं और ध्यान देना है आपको इस पर। जैसे बोलते हैं कि ए बी सी हरात्मक श्रेढ़ी में है, ए बी सी हरात्मक श्रेढ़ी में है, तो इसे हम देखिए कैसे करेंगे। आपको इतना तो पता है कि जब ए बी सी हरात्मक श्रेढ़ी में है तो इसका व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम क्या होगा, वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी, किसमें होगा, समांतर श्रेढ़ी में होगा। इतना करने के बाद क्या हुआ, वो समांतर श्रेढ़ी में हुआ। और जब समांतर श्रेढ़ी में है तो आपको पता है कि दो लगातार पदों के मध्य अंतर हमेशा समान आता है। तो देखिए वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन बी, आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि अगला पद माइनस तुरंत उसके पिछला पद, ऐसे ही अगला पद उस माइनस तुरंत उसके पिछला पद क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि अब देखिए आपको हरात्मक श्रेणी भले ही बोला, लेकिन जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी समांतर श्रेणी से ही हल होने वाले हैं। उसके बाद देखिए अब आप क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर देखो वन अपॉन बी ये रहा और ये वन अपॉन बी इधर से जब इधर आएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, ऐसे ही वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए। अब देखिए ध्यान से, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन बी क्या होगा, टू अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए आने वाला है, और टू अपॉन बी इक्वल टू आप ए सी लघुतम ले सकते हैं, लघुतम समापवर्तक एलसीएम, और यहां से क्या होगा ए प्लस सी, और आप इसको वज्र गुणा कर सकते हैं तो क्या आएगा, टू ए सी इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी, और टू ए सी अपॉन क्या होगा ए प्लस सी, और ये किसके इक्वल आया, बी के, क्या बोल सकते हो बी इक्वल टू टू ए सी अपॉन का ए प्लस सी। इस प्रकार से आपने जब तीन संख्याएं हरात्मक श्रेणी में थी उनसे आपने फाइनल रिजल्ट प्राप्त किया है b इक्वल टू टू ए सी अपॉन का a प्लस सी, जहां पर b को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हरात्मक माध्य बोलते हैं। इस प्रकार से आपने, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपने समांतर श्रेणी पढ़ा, चलो आवाज मत करना भाई, देखिए समांतर श्रेणी में आपने जिस प्रकार से समांतर माध्य पढ़ा था वो क्या था, टू या आप ऐसा लिखे थे b इक्वल टू ए प्लस सी, आप यू भी बोल सकते हो, टू b इक्वल टू ए प्लस सी, यानी b इक्वल टू ए प्लस सी बटा दो था। ऐसे ही आपने हरात्मक श्रेणी पढ़ी, उस टाइम बी स्क्वायर ये किसमें आया था, गुणोत्तर श्रेणी में, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसको आप क्या बोले थे, बी इक्वल टू रूट का ए सी। इसी प्रकार से देखो ये समांतर माध्य था, ये गुणोत्तर माध्य था, और अब क्या आया है हरात्मक माध्य, और हरात्मक माध्य में क्या होता है, बी इक्वल टू टू ए सी अपॉन का ए प्लस सी। ये देखिए आपने कंप्लीट केस पढ़ लिया है, अब हम इन केसेस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो हरात्मक श्रेणी पर निर्भर होंगे। तो देखिए आप क्वेश्चंस को देखिए, अब मैं आपको जो क्वेश्चंस होंगे उन पर बेस्ड बात बताता हूं। देखिए अगर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिखा हो तो आप उसको समांतर श्रेणी बोलते थे। इतना आपको पता है कि इस टाइप में है तो समांतर श्रेणी होगा, क्योंकि प्रत्येक दो पदों के मध्य अंतर समान आ रहा है, और आप इसको 1 upon 1, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4, 1 upon 5, 1 upon 6 इस प्रकार से करोगे तो आप बोलोगे कि ये हरात्मक
श्रेणी है और जब ये हरात्मक श्रेणी है तो इससे क्वेश्चंस करोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं और इवन सोल्व भी नहीं होते, क्योंकि जब आपको ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये परिमेय संख्या टाइप में बन गए हैं और ये दिखने में हरात्मक श्रेणी जरूर दिख रही है लेकिन क्वेश्चंस करना इतना आसान नहीं रहेगा। तो मैं बता दूं कि जब आपको ये नोट करके रखना और याद करके कि जब ए बी सी हरात्मक श्रेणी हो और आपको ए बी सी हरात्मक श्रेणी में हो और आपको कितने नंबर चाहिए, तीन ही नंबर चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, 2, 3, 6 किसमें होंगे, हरात्मक श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में होंगे। तो देखो पहला पहले के बराबर कर दो, दूसरा दूसरे के बराबर कर दो और तीसरा तीसरे के बराबर कर दो और ये आपको याद रखना है। ऐसा आप करोगे तो जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे वो भी आप 3 से 4 लाइनों में कर पाओगे। ये तो हुआ जब संख्याएं 3 हो, और जब अगर संख्याएं 4 आ गई, देखो 1 या 2 तो हो नहीं सकती, किसी भी श्रेणी को बताने के लिए कम से कम 3 पदों की आवश्यकता होती है। तो 3 तो मैंने बता दिया कि आपको 2, 3, 6 लेना है जब हरात्मक श्रेणी हो, और अगर आपको 4 पद दे दिया जाए, 5 देगा नहीं, 4 दे दे तो क्या यूज करना है उसके लिए, देखो 4 के लिए भी जैसे देखिए ये आपका नोट का दूसरा पॉइंट है, ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में हो तब आपको क्या लेना है, 6, 8, 12, 24 किसमें होंगे, हरात्मक श्रेणी में होंगे। ये भी आपको याद रखना है, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर और तीसरा तीसरे के बराबर और चौथा चौथे के बराबर। आप इनको अगर याद रखते हैं तो बहुत ही आसान होंगे और अगली क्लास से हम इन पर ही बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।